नमस्कार, इस समय हम छात्रावास रोड पर जो मंदिर है वहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती यहाँ धूमधाम से मनाई जा रही है और हर साल जो ये मार्केट के दुकानदार हैं यहाँ इकट्ठे होकर सबसे पहले हवन करवाते हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उससे पहले जो विश्वकर्मा जी हैं उनकी जो मूर्ति पर माल्यार्पण वगैरह की जाती है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद ये भंडारा जो लगाएंगे, तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितने साल से ये यहाँ जयंती मना रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, ये श्री हम राम कुमार प्रधान श्री विश्वकर्मा यूनियन कैथल। हम हर बरस श्री विश्वकर्मा जी का हमन करते हैं पहले, उसके बाद भंडारा करते हैं और सभी को लिए शुभकामनाएं चाहते हैं कि सभी का कारोबार, सभी मिस्त्री भाई तरक्की करें दिन प्रतिदिन। तो ये कितने साल से मना रहे हो आप? हम ये हमारी यूनियन 2005 से शुरू हुई थी, तभी से हम ये भंडारा लगा रहे हैं और कोरोना काल में हमने थोड़ा सा ये छोटा भंडारा कर दिया था क्योंकि उस समय ये पब्लिक इकट्ठी नहीं करनी थी। उसके बाद हम यही भंडारा लगातार लगा रहे हैं सभी के सहयोग से। तो विश्वकर्मा जी का क्या कुछ मैसेज और संदेश आप यहाँ देते हो? श्री विश्वकर्मा जी का मैसेज ये है कि हम सभी भाई मिलकर शांतिपूर्वक कार्य करें, किसी के साथ भी मतलब कोई ऐसा काम ना करे जिससे बुराई हो, लोक समाज में सबका भला हो। और ये कार्य हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक विश्वकर्मा जी कृपा होगी। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम जय किशन सैनी है और मैं 2005 से इस यूनियन से जुड़ा हूँ। पहले मैं आम मेंबर था, फिर इन्होंने मुझे प्रधान बनाया, उसके बाद हमने ये छोटे भंडारे के रूप में शुरू किया, फिर इसको हमने थोड़ा बड़ा भंडारा बनाया। बड़ा भंडारा करके हम 500-700 आदमियों का, 1000 आदमियों का भंडारा करते हैं और हर वर्ष बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं। तो कितने के कारीगर या मिस्त्री यहाँ आपके भंडारे में पहुँचते हैं? हमने हाँ, हमारे यहाँ पर कोई कम से कम 100 के करीब मिस्त्री इकट्ठे हो जाते हैं तकरीबन। तो क्या कुछ, जैसे विश्वकर्मा जी ने किस तरह से शुरुआत की थी, क्या कुछ मैसेज आप देते? विश्वकर्मा भगवान जी का कहना है कि आप मिलजुल करके रहें और मन से अपने काम में लगन लगाएं और आप तरक्की करें। तो क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहोगे मिस्त्रियों को, कारीगरों को? मेरा सभी मिस्त्री भाइयों से प्रार्थना है कि सुख शांति से आपस में भाईचारा बनाकर रखें और किसी के साथ कोई बैर भाव ना रखें और अपने काम में ध्यान रखें। नरेश कुमार सैनी, हमारी यूनियन ये 2005 से चली हुई है श्री विश्वकर्मा इलेक्ट्रीशियन यूनियन। ये सभी भाई बिजली मिस्त्री के मैकेनिक है और हम हर साल विश्वकर्मा डे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ करते हैं और हम विश्वकर्मा जी की पूजा प्रार्थना यहाँ करते हैं, अपने औजारों की पूजा हम यहाँ करते हैं। सभी मिस्त्री भाई यहाँ इकट्ठा होकर सभी विश्वकर्मा के इस हवन यज्ञ में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज जैसे जो औजार हैं, औजारों की पूजा वगैरह की है लेकिन काम नहीं करवाया? हाँ, आज के दिन हम अपने औजारों को दूध में स्नान करा के कच्ची लस्सी से उनको साफ सुथरा करके आज उनको एक किस्म का आराम देते हैं। आज के दिन हम कोई भी काम नहीं करता। हाँ जी, आज औजारों की पूजा होती है। आपने क्या नाम है? मदन लाल सतिया। जब विश्वकर्मा डे पर यही पूजा पाठ करते हैं, औजारों की पूजा करके उस दिन छुट्टी रखते हैं हम सभी मिलके, पूजा पाठ करके भंडारा वगैरह करते हैं। सभी मिस्त्री भाई अपने इकट्ठे होते हैं, 100-150 मिस्त्री हो जाते हैं जो सभी भाई एकता करके हर साल की तरह भंडारा खुशी से लगाते हैं। तो ये थे जो छात्रावास रोड के जो मैकेनिक हैं, जो मिस्त्री हैं, जो हर साल की तरह इस बार भी जो विश्वकर्मा जयंती पर भंडारा वगैरह वो लगाए हुए हैं और जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से सबसे पहले औजारों की पूजा की जाती है, उसके बाद पूरा दिन कोई काम नहीं किया जाता, सिर्फ यहाँ हवन करते हैं, उसके बाद भंडारा लगाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।